पार्थिनो जेनेसिस। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है पार्थिनो जेनेसिस। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर्स, जिसे हम लोग व्हील वॉर्म्स भी कहते हैं, हनी बी, बर्ड्स एंड सम लीजर्ड्स, द फीमेल गैमेट फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जो केवल कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि रोटिफर्स, जो जिन्हें हम लोग व्हील वॉर्म्स भी कहते हैं, और ये निमैटी हेलमेंथस हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक नेमाटोड्स हैं। हनी बी के केस में खासकर हम लोग मेल हनी बी को देखते हैं, जिन्हें हम लोग ड्रोन भी कहते हैं। बर्ड्स लाइक टर्की और कुछ लिजर्ड्स में फीमेल गैमेट से सीधा न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि फीमेल गैमेट को मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो सीधा डेवलप हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। इसी फेनोमिनन को हम लोग कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। जबकि प्लांट्स के केस में हम लोग पार्थेनोकार्पी देखेंगे। पार्थेनोकार्पी इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स। पार्थेनोकार्पी वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग जानेंगे कि फ्रूट का प्रोडक्शन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल, रिजल्टिंग सीडलेस फ्रूट, फॉर एग्जाम्पल बनाना। तो पार्थेनोकार्पी वो प्रोसेस है जिसमें फ्रूट का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल, और जिसकी वजह से सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि बनाना। पार्थेनोकार्पी को हम लोग इंड्यूस भी करा सकते हैं प्लांट्स में बाय जस्ट ट्रीटिंग द प्लांट्स विथ ऑक्सिन हार्मोन। तो ये थे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें हम लोगों ने इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में जाना था पिछली वीडियो में, और यहाँ हम लोगों ने पार्थेनोजेनेसिस के बारे में जाना। और अब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे जाइगॉट। द जाइगॉट फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सिंगल सेल, याद रखें डिप्लॉयड सिंगल सेल कॉल्ड जाइगॉट। फर्टिलाइजेशन से जाइगॉट का फॉर्मेशन होता है जो कि डिप्लॉयड सिंगल सेल है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट जब भी फ्यूज करेंगे डिप्लॉयड सिंगल सेल जाइगॉट का फॉर्मेशन करेंगे। ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगॉट। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, अगर हम सब अपने आप को भी देखें तो हम सब ने अपनी लाइफ की शुरुआत इसी सिंगल सेल जाइगॉट से की है। अब जाइगॉट को थोड़ा हम लोग डिटेल में जानेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं, जाइगॉट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। जाइगॉट वो बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक है जो किसी भी स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी बरकरार रखता है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कनेक्ट करता है जाइगॉट, क्योंकि बिना जाइगॉट के फॉर्मेशन के ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो एक जनरेशन में अगर ऑर्गेनिज्म है तो सबसे पहले दूसरे जनरेशन के बीच में जाइगॉट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जाइगॉट से ही वो दूसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा और दूसरा जनरेशन डेवलप होगा। डेवलपमेंट ऑफ जाइगॉट डिपेंड्स ऑन बेसिकली टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। जाइगॉट का डेवलपमेंट कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे टाइप ऑफ लाइफ सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट टू विच इट इज़ एक्सपोज्ड। हम लोग देखेंगे जाइगॉट का डेवलपमेंट दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। टाइप ऑफ लाइफ साइकिल अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हमें तीन तरह का लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को देखें तो जाइगॉट डिवाइड्स बाई मियोसिस। यहाँ पर याद रखना है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगॉट जो कि हमेशा डिप्लॉयड ही रहेगा,
मियोसिस प्रोसेस से डिवाइड करेगा और हैप्लॉयड स्पोर्स बनाएगा और फिर इसी हैप्लॉयड स्पोर्स से हैप्लॉयड इंडिविजुअल डेवलप हो जाएंगे. तो जायगॉट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉयड स्पोर्स एंड दिस हैप्लॉयड स्पोर्स ग्रो इनटू हैप्लॉयड इंडिविजुअल. दूसरा हम लोग देखते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें जायगॉट डिवाइड्स बाय माइटोसिस फॉर्मिंग अ डिप्लॉयड और एम्ब्रियो विच ग्रोज इनटू डिप्लॉयड इंडिविजुअल. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम लोग देखेंगे जिसमें हम सभी आते हैं, जायगॉट डिवाइड्स बाय माइटोसिस. जायगॉट में कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस. टू फॉर्म्स अ डिप्लॉयड एम्ब्रियो एंड दिस डिप्लॉयड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू इंडिविजुअल. नाउ हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जायगॉट डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म डिप्लॉयड स्पोरोफाइट. द स्पोरोफाइट क्रिएट्स हैप्लॉयड स्पोर थ्रू मियोसिस. जायगॉट डिवाइड करेगा माइटोटिकली और बनाएगा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और यही स्पोरोफाइट आगे चलकर मियोसिस करते हुए हैप्लॉयड स्पोर्स बनाएगा. हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाने के बाद ये फिर से माइटोसिस करके गैमेटोफाइट बनाएगा और गैमेटोफाइट में माइटोसिस होगा और दोबारा से गैमेट्स बनेंगे. तो इस तरीके से हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जायगॉट का डेवलपमेंट होता है. दूसरा फैक्टर अगर हम लोग आ जाए, दैट इज इन्वायरमेंट टू विच इट इज एक्सपोज्ड. जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं इन फंजाई एंड एल्गी, द जायगॉट अंडरगोज अ रेस्टिंग पीरियड बिफोर जर्मिनेशन. फंजाई और एल्गी के केस में जायगॉट रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है जर्मिनेट करने से पहले. अ थिक वॉल इज डेवलप्ड अराउंड इट विच प्रिवेंट्स फ्रॉम डेसिकेशन एंड डैमेजेस. हम लोग देखेंगे कि फंजाई में और एल्गी में जायगॉट रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है बिफोर जर्मिनेशन और उसके चारों ओर एक थिक वॉल डेवलप हो जाता है जो उसे डैमेजेस से बचाता है, किसी भी तरह का डैमेज से ये बचाएगा. ओके, नेक्स्ट, जायगॉट के बाद जो हमारा दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है एम्ब्रियोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगॉट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. वो प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जायगॉट से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस. इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिवीजन, जायगॉट अंडरगोज माइटोसिस टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल. सेल डिवीजन में जायगॉट माइटोसिस सेल डिवीजन करते हुए अपना नंबर तेजी से बढ़ाता चला जाता है. चूंकि जायगॉट सिंगल सेल होता है उसमें माइटोसिस होंगे, तो एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल एंड सो ऑन. नाउ सेल डिफरेंशिएशन, ग्रुप ऑफ सेल्स अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज टिश्यू और ऑर्गेन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म. आफ्टर सेल डिवीजन ये सारे सेल्स को ग्रुप कर दिया जाता है कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन करके और उनसे कुछ स्पेशल टिश्यू या ऑर्गेन बनाए जाते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो सके. तो इस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस में ये दो प्रोसेस हम लोग देखेंगे. एम्ब्रियो बनाने के लिए ये दो प्रोसेस होते हैं, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिवीजन में जायगॉट लगातार माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाता चला जाता है, सेल का नंबर बढ़ाता चला जाता है और वही बढ़े हुए सेल्स ग्रुपिंग करके कुछ मॉडिफिकेशन करके उनको टिश्यू या ऑर्गेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि ऑर्गेनिजम्स का निर्माण हो सके. नाउ बेस्ड ऑन वेदर दैट डेवलपमेंट ऑफ जायगॉट टेक्स प्लेस आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पैरेंट, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. अब हम लोग देखते हैं कि जायगॉट का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर या बाहर हो रहा है उस बेसिस पर एनिमल्स दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? ओवीपैरस एंड वीवीपैरस. ओवीपैरस वीवीपैरस जानेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है. ओवीपैरस, डेवलपमेंट ऑफ जायगॉट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल पैरेंट. ओवीपैरस में हम लोग देखेंगे जायगॉट का डेवलपमेंट फीमेल पैरेंट के बॉडी के बाहर होगा.
जबकि विविपैरस में हम लोग क्या देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ जायगॉट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल पैरेंट, जायगॉट का डेवलपमेंट फीमेल पैरेंट के अंदर होगा। दे ले फर्टिलाइज्ड एग्स कवर्ड विथ हार्ड कैल्केरियस शेल इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन द यंग वंस हैच आउट फ्रॉम द एग। ये बेसिकली ओविपैरस अंडे देने वाले एनिमल होते हैं और ये फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करते हैं जो कि हार्ड कैल्केरियस शेल से घिरा होता है, यानी कि कवर्ड होता है, और उसको इन्वायरमेंट में किसी सेफ प्लेस में ये अंडे दे देते हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन द यंग वंस हैच आउट फ्रॉम द एग, और एक निश्चित समय के बाद उन अंडों को फोड़ते हुए यंग वंस अंडों में से बाहर निकल आते हैं। विविपैरस में हम लोग क्या देखेंगे, आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। विविपैरस में चूंकि जायगॉट का डेवलपमेंट फीमेल पैरेंट के अंदर होता है, तो एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ के बाद यंग वंस फीमेल बॉडी से डिलीवर्ड आउट हो जाता है। नेक्स्ट ओविपैरस, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग इज लेस। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग का जो सर्वाइवल का चांसेस है ये थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू द विविपैरस। जबकि विविपैरस में हम लोग देखेंगे द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग इज हायर ड्यू टू प्रॉपर इम्ब्रियोनिक केयर। यहाँ इम्ब्रियो का प्रॉपर केयर होने की वजह से जो चांसेस है सर्वाइवल का वो कहीं ना कहीं ओविपैरस से थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ एग्जाम्पल अगर हम लोग ओविपैरस का देखें, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो जितने भी अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं वो सब के सब ओविपैरस हैं। विविपैरस में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें मैमल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, एंड कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे प्लैटिपस, डक बिल्ट प्लैटिपस, जो कि मैमल होते हुए भी ओविपैरस है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट पोर्शन में, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ओविपैरस और विविपैरस के अलावा भी एक और टर्म हम लोग जानेंगे, ओवोविविपैरस। तो क्या है ओवोविविपैरस? इन सम ऑर्गेनिज्म द फीमेल रिटेन्स द एग्स इनसाइड इट्स बॉडी आफ्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन अंटिल दे आर रेडी टू हैच। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो फीमेल होती हैं वो अपने ही अंदर इन अंडों को रखती हैं आफ्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है अंडा उनके बॉडी के अंदर ही रहेगा, और ये तब तक उनके अंदर रहेगा जब तक उनमें से यंग वंस बाहर ना निकल आए। तो इस तरीके से इन्हें हम लोग ओवोविविपैरस कहते हैं। यहाँ एक बात जो और हमें ध्यान रखनी है वो ये है, द मदर्स बॉडी डज नॉट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द इम्ब्रियो एज देयर इज नो प्लेसेंटा। यहाँ मदर बॉडी से इम्ब्रियो को ज़रा भी नरिशमेंट नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता। यानी अंडे फीमेल बॉडी के अंदर ज़रूर रहेंगे मगर फीमेल बॉडी से उन्हें नरिशमेंट नहीं मिलेगा। अंडे में जितना फूड डाला हुआ रहेगा बस उसी फूड से बच्चे डेवलप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शार्क, रैटल स्नेक, या स्नेक में हम लोग और भी कई सारे एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि कॉपर हेड स्नेक, कॉटन माउथ स्नेक एक्सेट्रा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे होता है। तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जायगॉट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट्स में जायगॉट कहाँ बनता है? तो इनसाइड द ओव्यूल। जायगॉट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर विथर एंड फॉल ऑफ। फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है बाकी के एसेसरी पार्ट्स जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, या हम लोग देखते हैं स्टेमन इवन, ये ड्राई अप हो जाते हैं और पौधे से अलग हो जाते हैं, फ्लावर से अलग हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, एक्सेप्ट पिस्टल। केवल पिस्टल वो पार्ट है जो फ्लावर में हमेशा प्रेजेंट रहता है। द जायगॉट डेवलप्स इंटू इम्ब्रियो एंड
the ovule develops into the seed. Zygote embryo में develop कर जाते हैं और fertilization के बाद ovule seed में develop हो जाता है. Ovary develops into fruit and ovule into seed. तो जैसे ही fertilization होगा, ovary fruit में develop कर जाएगा और ovule seed में. The fruit develops a thick wall called pericarp. जो fruit है वो अपने चारों ओर एक thick wall develop कर लेता है जिसे हम लोग pericarp कहते हैं. तो pericarp is protective in function जो खासकर fruit को protect करता है. After dispersal, seeds germinate under favorable condition to produce new plants. और जैसे ही seed बिखरते हैं, सीड का डिस्पर्सल होता है, मॉइस्ट सॉइल में जाते ही, एक फेवरेबल कंडीशन में जाते ही सीड जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं और न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सीड्स हैं और बाहर ये पेरिकार्प हैं. यहाँ पर हम लोग देखते हैं अंदर ये सीड्स हैं एंड बाहर ये वॉल है, थिक वॉल, दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्प. यहाँ पर सीड्स एंड दिस वन इज़ पेरिकार्प और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दिस वन इज़ द पेरिकार्प एंड दिस वन इज़ द सीड्स. तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ये चैप्टर को फिनिश करते हैं. आशा करती हूँ बच्चों ये चैप्टर में आपको मज़ा आया हो और आपके डाउट्स काफ़ी हद तक क्लियर हुए हो. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. धन्यवाद.